हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू गेम एक्स प्रो। दोस्तों, ये हाउस गाइड सीरीज़ का पार्ट टू वीडियो होने वाला है। ये हाउस गाइड सीरीज़ क्या है, मैंने कल आपको बताया था, हाउ टू सर्वाइव इन अ हाउस। इस पे ये सारी वीडियोस जो है होने वाली हैं। आप एक घर के अंदर अच्छे से कैसे जो है सर्वाइव कर सकते हो, कौन सी पोजिशन पर आपको रहना चाहिए घरों के अंदर, खासकर कौन सी गन कॉम्बिनेशन के साथ आपको रहना चाहिए, इस पर ये सारी वीडियो थी पूरी डिटेल के अंदर। तो ये मैंने बनाई थी दोस्तों, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसके पार्ट टू की मांग की थी, जो कि आज मैं बना रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये एक यूज़लेस है, किसी काम का नहीं है दोस्तों। लेकिन ये यूज़लेस नहीं है, बिकॉज़ अगर आप पोचिंकी उतरते हो, अगर आप रोज़ोक उतरते हो, अगर आप यासना उतरते हो, मैंशन में उतरते हो, मिलिट्री बेस में उतरते हो, इन सारी जगहों पे दोस्तों बहुत सारे घर होते हैं। आप और आपका एनिमी भी दोस्तों घरों के अंदर ही ऐसे कहीं ना कहीं छुपे बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप अच्छे से हाउस गाइड आप जानते हो, अगर अच्छे से हाउस को समझते हो, तो आप बड़े आराम से अपने एनिमी को पुश करके किल कर सकते हो। या आपका एनिमी अगर आपको घर के अंदर पुश करने के लिए आता है, आपको मारने के लिए आता है, तो 110% जो है आप अपने एनिमी को बड़े आराम से किल कर सकते हो दोस्तों। बिकॉज वो यहाँ पर पुश कर रहा है आपको मारने के लिए, लेकिन आप स्टे हो अपने घर के अंदर बड़े आराम से। तो यहाँ पर ये गाइड जो है काम आती है। तो आज मैं एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये सच में अच्छी लगे ना दोस्तों, अगर आपके ये काम आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि पबजी खेलते हैं, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर कि ये आपको कैसी लगी। सो गाइस, आज हम जिस घर के बारे में बात करने वाले हैं वो है ये वाला घर। ये एक पर्टिकुलर डिज़ाइन का घर है। मैंने इस घर को क्यों चुना दोस्तों, इसके पीछे एक रीज़न है। पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ ये घर दिखता कैसा है। ये पोचिंकी के थोड़ा पीछे वाली साइड है, और आप इसको थोड़ा ध्यान से देख सकती हो ये कैसा घर है। ये देखिए, आपने ऐसे बहुत सारे घर देखे होंगे पोचिंकी के अंदर, पोचिंकी के अंदर नहीं लेकिन पूरे इरेंगल मैप में बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे। दूसरी साइड से इसका व्यू दिखा देता हूँ, और एक और साइड से इसका व्यू जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, कुछ इस प्रकार का ये घर होता है, और पीछे से दिखाता हूँ अच्छे से। ओके, मेरे पे फायर हो रहा है, पहले मैं ज़रा फायर वाले का, अरे क्या हो गया। ओके ठीक है, क्योंकि मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे एयरफोन से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सो इस प्रकार का घर है दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसके अंदर चलते हैं सबसे पहले। सो बात करते हैं इस घर के अंदर। इस घर के अंदर ऐसी कौन सी अनबीटेबल पोजीशन है दोस्तों, जहाँ पे अगर आप स्टे करते हो, जहाँ पे अगर आप ठहरते हो, तो वहाँ पे आप अनबीटेबल बन जाते हो, वहाँ पे आपको कोई मार नहीं सकता। तो सबसे पहली पोजीशन ये है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा ऐसे वाले घर के अंदर। सबसे पहले आप नीचे कतई मत रहा कीजिए। इसलिए नहीं रहा कीजिए दोस्तों, बिकॉज़ यहाँ पर नीचे कोई भी सेफ जगह नहीं है। अगर आप यहाँ पे ठहरते हो तो पीछे भी खिड़कियाँ हैं, यहाँ पे ठहरते हो तो आगे भी खिड़कियाँ हैं, और अगर आप यहाँ पे कहीं पे ठहरते हो तो आपको पता नहीं है कि एनिमीज कहाँ से अंदर आने वाला है। इस जगह से आने वाला है, या इस दरवाजे से अंदर आने वाला है, या सामने वाले दरवाजे से, या ये वाले दरवाजे से। सो नीचे वाली जगह जो है एकदम खुले मैदान की तरह है, तो यहाँ पे आपको कतई नहीं ठहरना चाहिए। अगर आप अपनी स्क्वाड में से सिंगल बच गए हो, शायद कोई गाड़ी गुजरी है यहाँ पे आसपास से, सो अगर आप अपने स्क्वाड में सिंगल बचे हो तो आपको ऐसे घर चुनने चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत बढ़िया घर रहते हैं कैंपिंग करने के लिए अकेले आदमी के लिए। और अगर आप अकेले बचे हो तो ये बिल्कुल बहुत कमाल की बात होने वाली है। सो इस घर में सबसे पहली पोजीशन जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि सबसे अनबीटेबल पोजीशन है, जहाँ पर आपका जो विनिंग रेशियो है आपके एनिमीज के द्वारा वो होता है 80%। यानी दोस्तों अगर आप उस पोजीशन पर ठहरते हो तो 80% चांस ये हैं कि दोस्तों आप अपने एनिमीज को किल कर दोगे। सो सबसे पहले कुछ मैं बातें बता देता हूँ। कुछ लोग जो है ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे बैठते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, कि उनका एनिमी आएगा हम किल कर देंगे। ये बहुत ख़राब पोजीशन होती है। कुछ लोग यहाँ पे बैठते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो ये इतनी बुरी पोजीशन नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी पोजीशन भी ये जो है नहीं है। तो जहाँ इस घर के अंदर जो सबसे बेस्ट पोजीशन है, कुछ लोग यहाँ पे बैठते हैं दोस्तों, कि उनका एनिमीज आएगा और वो उसको किल कर देंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो ये भी सबसे घटिया पोजीशन है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेस्ट पोजीशन है वो कौन सी है इस घर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी पोजीशन है जो कि ख़राब हैं, और वहाँ पे आप बड़े आराम से जो है अपने एनिमीज के द्वारा किल किए जा सकते हो। आपको नीचे जाना है सीढ़ियों पर, और इस प्रकार से यहाँ पर बैठ जाना है। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है दोस्तों। यहाँ पर बैठने के बाद आपको जो है अपना एमिंग एरिया को थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि देखिए, आपका एनिमी जो है यहाँ से आएगा, तो इस जगह से वो कुछ इस प्रकार से आपको देखते हुए आएगा कि कोई ऊपर बैठा तो नहीं है। तो इसी बात का आपको फ़ायदा उठाना है इस वाले घर में। देखिए, मैं बाहर से जाके एक बार एज ए एनिमी की तरह अंदर आता हूँ, और मैं सीधा अंदर आया और ऐसे यहाँ से मुड़ गया।
तो यहाँ पे मुड़ने में थोड़ा सा जो है दोस्तों टाइम लगता है, और आपको यहाँ पे बैठ जाना कुछ इस प्रकार से, और अपनी जो एमिंग साइड है साइड में जो कि सीढ़ियों में आपको नज़र आना चाहिए कि कोई आ रहा है उधर से कि नहीं, तो उसको एडजस्ट कर लेना है सही से। अब दोस्तों जैसे कोई एनिमी आएगा तो आपको उसे उस पर जो है गोलियों की बारिश कर देनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको अभी यहाँ पे करके बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए बाहर से कोई एनिमीज आता है एकदम से, इसमें टाइमिंग मायने रखती है, और आपको फायर करना है कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे एकदम फिर से साइड में चले जाना है। तो ये फिर से मैं बता दूँ दोस्तों, ये पहली पोजीशन है जो कि सबसे बढ़िया है। मैं फिर से आपको बता दूँ कुछ इस प्रकार से आपको पहले एमिंग एडजस्ट करना है कुछ इस प्रकार से। आपका एनिमी आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि आप सीढ़ियों के सामने हो, उसको आपको देखने के लिए कम से कम तो यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये पोजीशन है ये वाली, और ये वाली पोजीशन पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका एनमी आ जाता है, यहाँ पे छोड़ो अगर आपका एनमी यहाँ पे भी खड़ा रहता है यहाँ पे, तो वो आपको नहीं देख, यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो आपको सामने की तरफ साफ साफ दिख रहा है लेकिन आपका एनमी आपको नहीं देख सकता। और अगर वो उधर से आ रहा है तो आपको कुछ इस प्रकार से फायर करना है ऐसे हिलते हिलते, और उसकी जो सारी की सारी गोलियां, बिकॉज वो आगे की तरफ भाग रहा है ऐसे, बाहर से आया और आगे की तरफ भाग रहा है, तो उस पर जो गोलियां हैं उसके छाती से लेके उसके सर पे बजेंगी और वो वहीं पे जो है नॉक्ड आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो अभी दूसरी पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में बताऊँगा आपको कि आप कैसे जो है थोड़ा सावधान रह सकते हो इस घर के अंदर, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो दूसरी बेस्ट पोजीशन है दोस्तों वो है ये वाली, ये वाली पोजीशन जो है दोस्तों सबसे बेस्ट है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आपका एनमी जो है यहाँ से जब घूमेगा, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, जैसे कोई नॉर्मल आदमी है यहाँ पे कोई आ चुका है ऐसे वो घूमता है ऐसे करके, तो टाइम लगता है दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, लेकिन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वो आप यहाँ पे बैठे हो वो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो आपका कुछ रिएक्शन इस प्रकार से होना चाहिए आपके एनमीज पे ऐसे करके। तो दोस्तों ऐसे अगर आप फायर करोगे ऐसे हिलते जुलते तो आपका एनमी आपको टारगेट नहीं कर पाएगा, और जितनी देर में वो सोच पाएगा घूमेगा उतनी देर में उसकी खोपड़ी पे सबसे पहले गोलियां लगेंगी और वो वहीं पे नॉक्ड आउट हो जाएगा। एक बार दोस्तों तीन लोग यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से आए थे और मैं अकेला इस घर में बचा हुआ था, हालाँकि ये जो जगह थी वो ये वाली नहीं थी, घर यही वाला था लेकिन जगह ये देखिए ये जैसे घूमा मैंने इसको किल कर दिया। आपने देखा दोस्तों लाइव में ये बंदा सही आ गया उदाहरण देने के लिए, इसका कोई साथी भी नहीं है तो अब मैं इसको किल कर सकता हूँ। तो मैं यही बताना चाहता था दोस्तों कि जैसे कोई आदमी आता है तो वो सबसे पहले जो है टर्न करता है, और बस वही टाइम बहुत है हम लोगों के लिए, जैसे वो टर्न करेगा उसकी सबसे बड़ी गलती होगी और आप लोग जो है उसे किल कर दोगे, जैसे कि अभी अभी मैंने इसको किया। तो ये जो सबसे बेस्ट पोजीशन थी दोस्तों वो थी सबसे पहले ये वाली, और दूसरी जो बेस्ट पोजीशन थी दोस्तों वो थी ये वाली, जैसे वो टर्न किया मैंने उसे किल किया। तो ये दो पोजीशन सबसे बेस्ट हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठने का एक सबसे बड़ा घाटा ये है कि आप पीछे को नहीं जा सकते, ठीक है। ये वाली पोजीशन भी सबसे बेस्ट है बिकॉज आप इस साइड हो सकते हो, बिकॉज वो आदमी जो यहाँ से आएगा वो इस साइड से ऊपर आएगा, तो आप कुछ इस प्रकार से अपना हाथ रोटेट करके यहाँ पे आके उसे किल कर सकते हो कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इन दो पोजीशन पर रहते हो तो आपके एनिमीज एक हो या दो हो आप उन्हें किल कर सकते हो, लेकिन अगर वो चार हो तो आप यहाँ पे बैठिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पे अगर जो पहले दो आदमी एक साथ आते हैं, बिकॉज ये मोटी सीढ़ियाँ हैं तो दो आदमी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको अगर यहाँ पे नॉक्ड आउट कर देते हो तो दूसरे जो दो बचे हुए हैं वो ऊपर आने की ज़रूरत नहीं करेंगे, और आप उनको यहाँ से कूद करके यहाँ से अंदर जाके वो यहाँ पे बैठेंगे और उनके किल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आओगे तो आपका जो एनिमीज है वो यहाँ पे ऐसे पोजीशन लेके बैठे होंगे ऐसे कुछ आपको किल करने के लिए, लेकिन अगर आप बाहर से आओगे तो वो समझ नहीं पाएगा। अब जो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है वो है ग्रेनेड्स। यहाँ पे दोस्तों जो अगर आप इन दो पोजीशन पे बैठते हो तो ग्रेनेड्स आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, बिकॉज दोस्तों जो ग्रेनेड्स आते हैं वो आते हैं बाहर से और वो आते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बचते हैं यहाँ पे और इस जगह पे वो अपना असर दिखाते हैं। कुछ ग्रेनेड्स यहाँ से आते हैं बाहर वाली खिड़की से यहाँ पे और वो अपना असर दिखाते हैं। अब जो बात रही ग्रेनेड्स की यहाँ से आने की, तो दोस्तों आपके एनिमी सोच भी नहीं सकता कि आप यहाँ पे बैठे होंगे, वो ये सोचेगा कि आप अंदर बैठे हो, वो अंदर ग्रेनेड फेंकेगा, और अगर वो यहाँ से ग्रेनेड फेंकेगा भी तो आप यहाँ पे चले जाना, आपको कोई भी असर नहीं होगा ग्रेनेड का। दूसरी बात दोस्तों, क्योंकि आपके एनिमीज को पता नहीं है तो वो यहाँ पे ग्रेनेड फेंकेगा ही नहीं, पहली बात ये, ठीक है। आप कुछ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे तो सामने वाला घर है, ऐसे जो और भी घर हैं वहाँ पे हो सकता है कि सामने वाला घर हो और आपको जो है बाहर से निशाना बना दिया जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर इस साइड आपके बंदे हैं
तो आपको दीवार के साथ कुछ इस प्रकार से चिपक के रहना है। इसलिए चिपक के रहना है ताकि आपको जो बाहर से देखने वाला आदमी है वो आप पे निशाना ना लगा पाए, ठीक है। तो इसलिए दूसरी बात ये है, तो ये सेफ जगह है। यहाँ पे एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी आपको नहीं देख सकता, लेकिन एक यहाँ पे एक सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ आप खिड़की देख सकते हो, इस खिड़की से आपको कोई भी मार सकता है। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वही खिड़की है दोस्तों जो मैंने बताई थी, और यहाँ पे अगर सामने आप बैठे हो तो कोई भी आपको टारगेट कर सकता है बड़े आराम से। तो इस खिड़की का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आज की वीडियो आपको डेफिनेटली दोस्तों अच्छी लगी होगी इस घर के बारे में। इसके अलावा थोड़ा और मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर पूरा का पूरा स्क्वाड आता है और आप भी अपने स्क्वाड के साथ हो, तो आप जो है यहाँ से कूद के उनको किल कर सकते हो बड़े आराम से, कुछ इस प्रकार से, बिकॉज़ वो होंगे घर के अंदर ना कि घर के बाहर, वो होंगे यहाँ पे। तो और भी चीज़ें दोस्तों, इसके ऊपर जाने का भी एक रास्ता है दोस्तों। यहाँ पे एक और पोजीशन इस घर में बेस्ट है, लेकिन ये घर जो है कुछ कुछ जगहों पे होते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार से बैठना है यहाँ पे, इस प्रकार से, और एम को कुछ ऐसे एडजस्ट करना है, ठीक है। ऐसे आप चेक करते रहिएगा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जैसे वो आएगा तो आप कुछ इस प्रकार से फायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेस्ट पोजीशन जो कि मैंने आपको बताई। होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बताइए, पार्ट 3 चाहिए वो भी बताइए, और अपने फेवरेट घर मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। और एक और एनमी आ रहा है, मुझे यहाँ पे फुटस्टेप सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, सो देखते हैं मैं उसे किल कर पाता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे फ़िलहाल एंड करते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करना, और पार्ट 3 चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।